नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केवी क्लासेस। केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में देखेंगे एसटीटी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा क्या होगा, 11th होगा, और ऑनलाइन एग्जाम 2020 प्रेजेंटेड बाय केवी क्लासेस। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए, और पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट इसके अलावा इससे पहले वो तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मैथ का भी होगा, 10 लेसन अपलोड कर दिए हैं और ये दिन का ये 11th लेसन हमारा अपलोड हो रहा है अभी। ठीक है, इसको पूरा देखिए, सारा वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भागा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भागा है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका 20 × 60 भागा 40 माइनस 20 प्लस 10 बराबर कितना होगा, है ना। आप देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि भागा का अर्थ क्या है, माइनस है, भागा का अर्थ माइनस है, तो 60 माइनस कितना हो गया आपको, 40 हो गया। उसके बाद क्या है कि माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, माइनस का अर्थ गुना कर देते हैं, और प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए प्लस का अर्थ क्या है, भागा है, तो भागा कर देते हैं यहाँ पे, बचा क्या आपको गुना, गुना का अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस कर दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले बोर्ड मास में पहले भागा का होगा, फिर गुना का, फिर जोड़, फिर घटा, है ना। 20 प्लस 60 माइनस 40, 20 में भागा 10 से देंगे कितना आएगा आपको, 2 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया, 80 हो गया, माइनस 40 दूनी 80 हो गया। ठीक है, सॉल्व करने पर गया कितना आ गया, 0 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपको, बी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन है कि यदि बीते हुए कल के पहले वाले दिन को रविवार था, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन ऑफलाइन एग्जाम में आया हुआ था, जो एग्जाम हो चुका था। ठीक है, चूंकि आपका री एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन है, तो ये क्वेश्चन पहले आया था इस टाइप का, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का यदि क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले आप प्रेजेंट को, प्रेजेंट से निकालना है। ठीक है, यदि प्रेजेंट निकाल लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। प्रेजेंट मतलब क्या हो गया, आज हो गया, मतलब आज। ठीक है, अब देखिए बीते हुए कल, बीता हुआ कल ये होगा, बीता हुआ कल पीछे ये हो गया, वाले दिन, बीते हुए दिन के पहले, इससे पहले कौन होगा, यहाँ होगा, क्या होगा, ये आपको रविवार होगा, क्या होगा, रविवार होगा। तो आज कौन सा दिन हो गया, ये सोमवार हो गया, ये क्या हो गया, मंगलवार हो गया। मंगल के बाद हमको क्या करना, आज निकल गया तो पूछा है कि बृहस्पतिवार कब होगा, तो बृहस्पतिवार का कौन होगा, तो ये हो गया आपको बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार यहाँ पर हो जाएगा आपको, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो ये आज के बाद कौन सा दिन, ये हो गया कल, ये हो गया परसों, तो मतलब आंसर मेरा क्या हो गया, परसों क्या हो गया, बृहस्पतिवार होगा। ऑप्शन कहाँ पे, डी नंबर में ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए सीरीज का क्वेश्चन है ये आपको, ठीक है, वाट का स्थान पे कौन है आपका, ये सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बताना है कि वाट का स्थान क्या होगा। ए का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, एक होता है, सी का कितना होता है, 3 होता है, एफ का कितना होता है, 6 होता है, जे का कितना होता है, 9 होता है, 10 होता है, और आगे क्या होगा। देखिए यहाँ प्लस 2 हुआ है, यहाँ प्लस कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, अब आगे कितना होगा, है ना। तो आगे कितना होगा, यहाँ देखिए तो 3 2, 1 में से 2 जोड़े 3 हो गया, 3 में से 3 निचोड़ हो गया, 6 × 4 = 10 हो गया, 2 + 3 + 4 प्लस क्या हो गया, 5 होगा, है ना, 5 होगा, तो 5 10 में से 5 जोड़ेंगे 15 15 किसका हो गया आपका, ओ का हो जाएगा, है ना, ओ हो जाएगा। ठीक है, 5 जोड़े 15 हो गया, 15 में फिर कितना जोड़ेंगे, 6। ठीक है, आप देखिए फिर से एक बार यहाँ देख लीजिए, ए हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, जे हो गया, वाट वाट, तो ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, सी का कितना होता है 3, एफ का कितना होता है 6, जे का कितना होगा 10 हो जाएगा, आगे क्या होगा। आप देखिए यहाँ प्लस 2 हो गया, यहाँ प्लस कितना हो गया 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, प्लस 5 होगा, आगे कितना, प्लस 6 होगा, 10 में से 15 5 जोड़ेंगे 15 15 किसका होता है, ओ का होता है, 15 में से 6 जोड़ेंगे 21 होगा, 21 किसका हो जाएगा, यू का हो जाएगा, तो ओ यू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका जो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखिए कि चौथा नंबर क्वेश्चन, 10 है, 22 है, 46 है, 94 है, आगे क्या होगा। देखिए 10 × 20, 10 × 2 किया प्लस 2 किए तो 22 हो गया, फिर 22 × 2 किए प्लस 2 किए, 22 × 44 2 कितना हो गया, 46 हो गया, फिर 46 × 2 प्लस 2 करेंगे 94 आ जाएगा, फिर 94 × 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 × 8 हो गया, 4 × 8 9 × 18 प्लस 2 कितना हो गया, 190 हो गया। ऑप्शन कहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अब देखिए ये सीरीज में पांचवा क्वेश्चन सीरीज है, 1 है, 2 है, 2 है, 4 है, 8 है, आगे क्या होगा।
अब देखिए क्या हुआ, इसको इसको दूना किए, एक गुना दो, फिर ये कितना हो गया, गुना चार हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, गुना दो हो गया, फिर चार गुना दो, ये देखिए यहाँ पे दो चार, दो हुआ तो आगे भी कितना होना चाहिए आपका, चार होना चाहिए, गुना चार, तो चार चौक कितना होना चाहिए, सोलह होना चाहिए, आंसर ऑप्शन सी में है। देखिए ऑप्शन सी हो गया इसका। आप आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, दो है, पाँच है, नौ है, उन्नीस है, सैंतीस है, आगे क्या होगा, है ना। तो दो दूनी चार, दो गुना दो किए, दो दूनी चार, अब प्लस वन किए, तो अब आगे क्या हो गया, पाँच दूनी दस माइनस वन हो गया। फिर आगे देखिए क्या हो गया, नौ दूनी अट्ठारह प्लस वन हो गया, फिर उन्नीस दूनी अड़तीस माइनस एक कर दिए, अब क्या हो गया, प्लस होगा। यहाँ देखिए एक बार दुना करके दो से गुना करके आपका प्लस हुआ, फिर दो से गुना करके माइनस हो गया, फिर दो से गुना करके वन हो गया, प्लस किए, फिर दो से गुना करके माइनस वन किए, तो अब आगे दो से गुना करके तो सैंतीस गुने दो आप प्लस वन, सैंतीस दूनी चौहत्तर, एक कितना हो गया, पचहत्तर। ऑप्शन क्या हो गया, बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका। आगे देखिए क्या कहता है कि मोहन प्रवीण से बड़ा है। अब देखिए मोहन जो है, मोहन प्रवीण से बड़ा है, प्रवीण से क्या है, बड़ा है। सुरेश प्रवीण से छोटा है, सुरेश प्रवीण से छोटा है, तो छोटा नीचे कर देते हैं। मिहिर सुरेश से बड़ा है, मिहिर, अब देखिए क्या है, मिहिर जो है सुरेश से बड़ा है, तो मिहिर जो होगा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सुरेश से बड़ा है, लेकिन प्रवीण से छोटा है, लेकिन प्रवीण से छोटा है, आगे क्या क्या है, प्रवीण से छोटा है, तो प्रवीण से छोटा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, मिहिर यहाँ पर हो जाएगा, मिहिर हो गया यहाँ पर। चारों में सबसे छोटा कौन हो गया, सुरेश हो गया सबसे नीचे, सबसे एक नंबर पे हो गया, सबसे बड़ा मोहन हो गया, फिर प्रवीण हो गया, फिर मिहिर हो गया, फिर कौन हो गया, सुरेश हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए दिए गए विकल्पों में से लोग संख्या ज्ञात कीजिए, ये इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये तेरह उन्नीस है, इकहत्तर नौ दस है, एक सौ अट्ठाईस बत्तीस जीरो है। अब देखिए ये दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे नौ तीन बारह, बत्तीस हो गया, चार से कट जाएगा, ठीक है। अब ये नौ अस्सी हो गया, दस से कट जाएगा, चार अट्ठे बत्तीस, दस अट्ठे अस्सी हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, आठ दो दस, तीन दो पाँच, एक छः हो गया, एक हो गया, ठीक है। अब देखिए किससे भागा लगेगा, ये बीस से भागा लगेगा, क्योंकि ये देखिए चार से भागा दे रहे हैं, कितना बार में लग रहा है, आठ बार में, दस को आठ से अस्सी में दे रहे हैं भागा, कितना बार में, आठ बार में लग रहा है, तो एक सौ साठ आड़ा जोड़ के, तो किससे भागा देना होगा, बीस से भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, आठ बार में लगेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करता है। अब देखिए ये डिस्टेंस डायरेक्शन जब भी होगा तो आप कम से कम चार डायरेक्शन बना लीजिए, आप क्या क्या करेंगे, चार डायरेक्शन, ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, पूर्व हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करता, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता, तो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, तो इसका बाएं मुड़ता है कितना, 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दाएं मुड़ता है, वहां से वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहां से दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में मुँह किए हुए, तो किस दिशा में मुँह किए हुए, उत्तर दिशा में मुँह किए हुए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस चित्र को पहचान करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। उसके बाद गौरैया, पक्षी और बिल्ली, ये देखिए ये जानवर है, ये क्या है, जानवर है, और ये गौरैया क्या है, पक्षी है, पक्षी के अंदर कौन आएगा, गौरैया आएगा। आप देखिए कैसे बनेगा फिगर, ये टोटल क्या हो गया, पक्षी हो गया, इसलिए पक्षी हो गया, पक्षी के अंदर कौन आएगा, गौरैया आएगा, ठीक है, कौन आएगा, गौरैया आएगा, और ये दोनों से भिन्न कौन होगा, बिल्ली हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा। तो इस टाइप का फिगर कहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कि कौन से उत्तर आकृति दी गई आकृति को सही प्रतिबिंब दर्पण को एक पर रखा जाता है। अब देखिए ये इसका ये दर्पण है, तो इसमें क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान रखिएगा, जब भी होगा तो नज़दीक वाला पार्ट नज़दीक में होगा, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे फिगर बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि आपका नज़दीक वाला पार्ट क्या होगा, नज़दीक में होगा, तो ऐसे ही बनेगा ये, यहाँ पर ऐसे ऐसे जाएगा। अब देखिए ऐसे ऐसे कहाँ पे है, तब ये तो आ रहा ही रहा, ये तो आ रहा आपका, बाकी बात ये नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, अब इसको देख देख दे, ये आपका क्या होगा, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर क्या होगा, यदि इधर आना करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये तो लाइन तो रहेगा ही, उसके बाद ये देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये आपका पलट जाएगा, ये कैसे हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा ऐसे हो जाएगा और ये होगा ऐसे ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आपका सारा डाटा मिल रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं लेट अगले वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।